महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जी हां, शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं। दरअसल इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक दल के नेता के तौर पर अजय चौधरी को नियुक्त करने और डिप्टी स्पीकर की तरफ से 16 बागी विधायकों को जारी किए गए अयोग्यता के नोटिस का मामला उठाया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई है। तो आपको बता दें कि बागी विधायकों ने मांग की है कि उनके परिवारों को सुरक्षा दी जाए, और सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की तरफ से इस मामले की पैरवी देश के जाने माने वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे कर रहे हैं। वहीं डिप्टी स्पीकर की तरफ से पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल हैं और शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलीलें पेश करेंगे। अब दोबारा लौटते हैं बागियों की सुप्रीम कोर्ट से गुहार पर। तो आपको बता दें कि विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्यता का जो नोटिस जारी किया है उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने के आवेदन पर फैसला होने तक 16 विधायकों के अयोग्यता के नोटिस पर कार्रवाई न हो। बागी गुट के विधायकों की सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि डिप्टी स्पीकर को हटाया जाए। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को विधानसभा के विधायक दल का नेता बनाने के फैसले को भी खारिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से बागियों की अर्जी है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र के डीजीपी को निर्देश दिया जाए कि वे बागी विधायकों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करें। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी करते हुए 27 जून को शाम तक पेश होने के लिए कहा है। हालांकि बागी विधायकों ने फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि अयोग्यता याचिका विचार करने योग्य नहीं है, क्योंकि शिंदे गुट के समर्थन में शिवसेना के ज्यादातर विधायक हैं और बहुमत हमारे पास है। उन विधायकों ने अपनी सदस्यता छोड़ी नहीं है। अयोग्यता नोटिस इसलिए भी विचार योग्य नहीं है क्योंकि ये बहुमत वाले विधायकों की गतिविधि को चुनौती देता है। ये विधायक बहुमत से बनाए गए चीफ व्हिप और पार्टी नेता के निर्देश पर काम कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि उनकी महाविकास अघाड़ी सरकार से मिलीभगत है और वह उसी के इशारे पर नोटिस जारी कर रहे हैं। बागियों का कहना है कि डिप्टी स्पीकर ने विधायकों को अयोग्यता नोटिस पर जवाब देने के लिए महज 48 घंटे का समय दिया है, जबकि उन्हें 7 दिन का समय देना चाहिए था। यह महाराष्ट्र विधानसभा और अयोग्यता संबंधी नियमों के खिलाफ है। डिप्टी स्पीकर खुद अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं, ऐसे में वह खुद विधायकों की अयोग्यता के मसले पर फैसला नहीं ले सकते।